लटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, कब तक हम रहेंगे सर पटकते। अब वेदांत देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किम, हाय माय, तो मजा आएगा तो समझ आएगा। बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे, डाउट सारी जिंदगी से आज। आई गॉट योर डाउट, दिस इज योर आंसर। समझ आएगा तो Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hello, bacho. Kaise ho aap log sab? How are you doing? Yes, how's your excitement level? We kids, we finished one of the most amazing, easy, awesome topic of evolution. Yes, iske kafi shuru ke paas humne kar liye hai. और उसके बाद आज मिड सेशन हम एक ऑसम क्विज करने वाले हैं। ये ऐसा क्विज है जो डिसाइड करेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने फोड़ू लेवल से तैयार है। एंड आई एम गोइंग टू डू दिस क्विज इन रिकॉर्ड टाइम। और एक और प्रॉमिस है, हर क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। डन। सो फटाफट से क्विज करते हैं विद फुल स्पीड। सो वेलकम टू आवर अमेजिंग चैनल द क्विज ऑन एवोल्यूशन। एक और क्विज और हम चैप्टर के एंड में करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हाउ मच टाइम परमिट्स अस। बट अभी इस चैप्टर के शुरू में तो हम एक अमेजिंग ऑसम सुपर फोड़ू सुपर कूल क्विज लेके आए हैं। ऑल्सो दिस क्विज इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी व्हिच मेक्स इट लाइक अ बूहू ऑसम क्विज। यस, सो चलो शुरू करते हैं। दिस इज योर favorite, so I don't know, but yours truly, definitely. And in today's class, I'm going to be doing evolution quiz. Yes, chalo. So let's start, kids. Ye hamara super amazing, super awesome Telegram group hai. So is group ko join kariye, just in case you want to stay connected with us and you want to ask us all kinds of questions, personal, professional, whatever you want to ask us, whatever problem you have in your life, I'm sure we have a solution for you. Correct? Oh, dobara dekh lijiye mujhe, chaliye. Yes, and this is my super awesome, absolutely amazing, the coolest team there is. We Biotonic family, we Biotonic team. And please make sure you like, share and subscribe to our amazing channel. Question number one, Urey Miller experiment se related hai. पर लगता है कि कुछ चीजें मैंने लीक कर दी हैं, तो मैं पिन ड्रॉप साइलेंस करती हुई साइड में चले जाती हूं। स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस जो एआई ओपेरिन और जेबीएस हैल्डेन की थ्योरी के ऊपर बेस किया गया था, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो किसने किया था ये? एबीसीडी ऑन माई स्क्रीन नाउ, कम ऑन। स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटर्स फॉर टेस्टिंग द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। केमिकल ओरिजिन की पहली थ्योरी जो थी वो एआई ओपेरिन और जेबीएस हैल्डेन ने दी थी। इन लोगों ने उसको प्रूव कर दिया था। सो द आंसर हैज टू बी यस यस यस, यू आर राइट, यूरेन मिलर। जेकब एंड मोनोड ऑब्वियसली ने लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की ही, एआई ओपेरिन ने थ्योरी दी थी, ना कि स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। यस, डिक्सन एंड जॉली ने भी ये नहीं किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। यस, डिक्सन एंड जॉली ने तो प्लांट वाटर रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उनका तो दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं था। सो ओके, इट इज यूरेन मिलो। सेकेंड, ह्यूमन हैंड, हैंड ऑफ अ ह्यूमन, the wings of bat which helps them to fly, which is making use of the pectoral girdle, and the flipper of a whale which helps it to push water behind and swim ahead. So the human hand, the wing of a bat and the flipper of a whale, ye kis kaam aata hai? Is it analogous, vestigial, homologous or is it evolutionary organs? Bataiye kis kaam aata hai, bataiye. Yes, you guys are absolutely right. These are nothing but homologous organs. So homologous organs, वो organs होते हैं, let us discuss this in detail. Homologous organs, वो organs होते हैं जिनमें same structure होता है. Is it clear? जिन भी organisms में same structure हो but different functions हो, उनको homologous organs कहते हैं from evolutionary point of view. तो ये human hand हो, wings of bat हो या flipper of whale हो, ये बने होंगे humerus, radius, ulna,
कार्पल मेटाकार्पल. सो यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल के ये बने हुए होते हैं. सेम स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है. दीज आर रेफर टू एज होमोलोगस ऑर्गन्स. वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के बिल्कुल भी काम ना आए. फॉर एग्जाम्पल कैनाइन हमारी बॉडी में भी काम का नहीं है बिकॉज हमने टीयरिंग एंड शेयरिंग बंद कर दिया है. थर्ड आईलिड जिसको हम निक्टिटेटिंग आईलिड कहते हैं, निक्टिटेटिंग, बिकॉज हमने अंडरग्राउंड रहना भी बंद कर दिया है. इज इट क्लियर? कॉकिक्स और टेल, क्योंकि अभी हमें बैलेंस के लिए टेल की जरूरत नहीं है. अपेंडिक्स, ये सारे हमारी बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं. राइट एवरीबडी? एनालोगस इसका बिल्कुल उल्टा है. सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, दोनों के दोनों फ्लाइट में काम करते हैं, फ्लाइट में. तो इनका फंक्शन सेम है, फ्लाई करने में हमारी मदद करेंगे. इज दैट क्लियर? फ्लाई करने में हमारी मदद करेंगे, बट एक तो है बॉडी के पेक्टोरल गर्डल का और दूसरा है सिर्फ और सिर्फ अपेंडेज. अंडरस्टूड? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. होमोलोगस ऑर्गन्स हमने डिसाइड कर लिया है. ये जो है ये मैंने आपको कितने डिटेल में एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ थियोरीज करवाई हैं. तो चलिए आई एम गोइंग टू मूव टू द साइड एंड यू टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो मैच द कॉलम डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो डी व्रीज, एआई ओपेरिन. बताइए चार्ल्स डार्विन ने कौन सी थ्योरी बोली है? बताइए बताइए, कम ऑन, कौन सी थ्योरी बताई है चार्ल्स डार्विन ने? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने क्या बताया है? ऑइनोथेरा लेमार्कियाना पे काम करके ह्यूगो डी व्रीज ने क्या बताया है? जेबीएस हेल्डेन के साथ काम करके एआई ओपेरिन ने क्या बताया है? सो चलिए इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं. यस, द आंसर इज ए, डार्विन ने बताया है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. तो हर किसी के आगे उनका आंसर लिखते रहते हैं. वन बी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन. लेमार्क ने क्या बोला है? लेमार्क ने बोला है यूज एंड डिसयूज थ्योरी. राइट, तो वो लेमार्क की है, यूज एंड डिसयूज थ्योरी. यहां डार्विन लिख देते हैं. करेक्ट. ह्यूगो डी व्रीज ने क्या बोला? म्यूटेशन थ्योरी. ऑइनोथेरा लेमार्कियाना पे काम किया है ह्यूगो डी व्रीज. म्यूटेशन थ्योरी, ऑल्सो रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स वर्क. एंड ओपेरिन ने बोला है यस ओरिजिन ऑफ लाइफ, एआई ओपेरिन. सो दैट फिनिशेस दिस वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे, बट आई एम श्योर विद दिस वेरी सिंपल लॉजिक यू विल बी एबल टू सॉल्व देम. चलो, सो विद दैट लेट्स मूव अहेड. व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय लेमार्किज्म. लेमार्किज्म ने जो यूज एंड डिसयूज थ्योरी बताई है, लेमार्किज्म ने जो जिराफ पे स्टडी की है, लिम्बलेस ऑर्गेनिज्म पे स्टडी की है, इनमें से कौन सा विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय लेमार्किज्म? बताइए, लॉस ऑफ टेल्स बाय ह्यूमंस, इलोंगेशन ऑफ नेक इन जिराफ, वीक प्रोजेनी ऑफ नोबल लॉरिएट. नन ऑफ द अबव. नोबल लॉरिएट के बच्चे इंटेलिजेंट ना होना, जिराफ का नेक निकलना, या लॉस ऑफ टेल बाय ह्यूमंस, वीक प्रोजेनी ऑफ नोबल लॉरिएट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय लेमार्क? लॉस ऑफ टेल बाय ह्यूमंस बोला बिकॉज उन्होंने इस बार टेल को यूज करना कम कर दिया. सो इसीलिए टेल क्या हो गई? धीरे 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 एक्सटिंक्ट हो गई. इसको बोलते डिसयूज. और जिराफ्स ने नेक को बहुत ज्यादा यूज किया. राइट, अकॉर्डिंग टू लेमार्क एक्चुअली थ्योरी ऑफ नीड और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज एंड थ्योरी ऑफ पासिंग ऑन ओनली द गुड कैरेक्टर्स. तो हो सकता है नोबल लॉरेट ने इतना दिमाग चलाया, दिमाग चल गया, अगली जनरेशन में जाना चाहिए, पर जाएगा कैसा? क्या वो रियल थ्योरी है? नो, इट विल Not happen. जैसे याद करो मैंने क्लास ली थी तो मैंने बोला था क्योंकि प्रकाश पादुकोण बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता, दीपिका पादुकोण को तो बैडमिंटन प्लेयर होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोपेट्रिक्स. आर्कियोपेट्रिक्स इज नोन एज मिसिंग और कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक वो होता है जिसके पास दोनों ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक हो. नियोप्लीना इज अ कनेक्टिंग लिंक. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे एनालिडा आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है या
नहीं है. इट हैज करेक्टर्स बिटवीन विच, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर्कियोपेट्रिक्स के बीच में किस किस के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जब तक आप लोग ये चारों ऑप्शंस देख रहे हो, आई वांट टू ड्रॉ समथिंग, तो मैं ड्रॉ करती हूं और चलो आप बताइए. चलो, सो यहां मैंने कुछ ड्रॉ किया, बताइए. यस, यहां पे इसके पास बीक है, पर बर्ड्स की बीक में टीथ नहीं होते हैं, तो आपको टीथ नजर आ रहे हैं. यहां पे इसके पास विंग्स हैं, पर विंग्स के एंड में इसके पास क्लॉज भी है. सो इट इज बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. इज दैट क्लियर? सो इट इज बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, नॉट रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, नॉट कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, एंड नॉट फिशेज एंड एम्फीबियंस. करेक्ट? Co-acervates, protobionts पे हमने कितनी अमेजिंग क्लास ली है, चलिए बताइए. चलिए फास्ट, co-acervates were experimentally produced by, इनमें से कौन से साइंटिस्ट है? यूरे मिलर, जेकब मोनॉट, फिशर हक्सली, ओपेरिन एंड सिडनी फॉक्स. किसने co-acervates बनाए बताइए. चलिए co-acervates, कम ऑन, इट्स अ वेरी शॉर्ट सिंपल क्विज, सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं. वंस यू डू द क्विज यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स इन एवोल्यूशन. किसने बनाया? ओपेरिन एंड सिडनी फॉक्स ने एक्सपेरिमेंटली co-acervates बनाए. co-acervates में सबसे अमेजिंग और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे बाहर बाई लेयर ऑफ लिपिड्स होता है, जिसकी वजह से आइसोलेशन हो जाता है. अंदर का मीडियम आइसोलेट होकर डिवाइड कर सकता है, एंड बिकॉज लिपिड्स आर वेरी स्टिकी, द अबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इज देयर. टू रिलेटेड पॉपुलेशंस ऑक्यूपाइंग ज्योग्राफिकली सेपरेट एरिया आर, दो पॉपुलेशंस जो रिलेटेड है पर दे आर ऑक्यूपाइंग जियोग्राफिकली सेपरेट एरियाज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पॉपुलेशन रिलेटेड है एक दूसरे से, पर ज्योग्राफिकली वो एरिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है. क्या है बताओ? एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, क्वांटम, साल्टेशनल. साल्टेशनल मीन्स इट इज जंपिंग, म्यूटेशन की तरह, इट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कम ऑन, एलोपैट्रिक. अगर वो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में हो तो हम उसको सिम्पैट्रिक कह देते हैं. सेम एरिया में अगर वो है तो उसको सिम्पैट्रिक कह देते हैं. ये मैं आपको बताती हूं, मैं एक छोटा सा क्यूट सा लाइव सेशन लूंगी जहां मैं एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक सिर्फ 5 मिनट में आपको समझा दूंगी. इज दैट क्लियर? सो व्हेन देयर आर टू रिलेटेड पॉपुलेशंस बट ज्योग्राफिकली सेपरेट एरियाज हैं, वी कॉल देम एलोपैट्रिक. एलो मीन्स सेपरेट, पैट्रिक इज एरियाज, सिम मीन्स टूगेदर. करेक्ट ऑर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एरास आर वेरी इंपॉर्टेंट, एरास पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. चलिए अभी जो से हम लास्ट 4-5 मिनट्स, इट हैज टू बी अ सिंपल कूल वेरी क्विक वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंफॉर्मेटिव क्विज. चलिए बताइए करेक्ट ऑर्डर क्या है, बताइए 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 जल्दी. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? यस 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 यस, आई कैन सी द करेक्ट आंसरिंग. पीलियोजोइक, पेलियोबॉटनी, पेलियोजोलॉजी, ओल्ड मीसोजोइक, सीनोजोइक. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक. जेनेटिक ड्रिफ्ट, वेरी गुड क्वेश्चन. इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ सी वॉल राइट इफेक्ट. बहुत एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, बताइए. जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑल्सो नोन एज सी वॉल राइट इफेक्ट. चलो 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 चलो, क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सी वॉल राइट इफेक्ट? कम ऑन, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट और सी वॉल राइट इफेक्ट? कम ऑन, 5, 4, 3, 2, 1. स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस. यस, तो इमेजिन करिए मैं एक बड़ी सुंदर सी इजी सी फोटो बनाती हूं. ये बीटल्स है, ये बीटल्स है, गोले नहीं है, बीटल्स है. तो ये बहुत सारे बीटल्स हैं, पर बीच बीच में मान लीजिए 2-3 ब्लू बीटल्स हैं. तो ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन स्मॉल है, ब्लू कलर से लिखते हैं. ओ ओ, लेट्स डू इट, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम.
सो आपको दिख रहा है ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन स्मॉल है और छोटे छोटे से आइसोलेटेड है, अलग से रह रहे हैं. सीवॉल राइट इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों हमारे लाइव वीडियोस के साथ स्टे कनेक्टेड रहिए. आपको पता ही, आजकल पता ही होगा, मैं रोज छोटे 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 लाइव वीडियोस ले रही हूं. एक मिनट पांच मिनट का वीडियो सिंपैट्रिक एलोपेट्रिक, एक और छोटा सा पांच मिनट का वीडियो सीवॉल राइट इफेक्ट, करेक्ट. तो अब होता क्या है, मान लीजिए एक आदमी चल रहा है, तो आदमी का पैर हम ब्लू या ग्रीन कलर से बना देते हैं, तो ये आदमी ने बाई चांस इनके ऊपर स्टेप कर दिया, स्टेप, तो दोनों ब्लू मर गए, सिर्फ एक ब्लू रह गया. क्या एक ब्लू आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने आप से रिप्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. तो इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो जब भी पॉपुलेशन बहुत छोटी हो, आइसोलेटेड हो, अकेली रहने वाली पॉपुलेशन हो, और बाई चांस, जस्ट बाय चांस, मैंने जानबूझ के ब्लू को नहीं मारा, जस्ट बाय अ चांस इवेंट उसकी डेथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सीवॉल राइट इफेक्ट. तो ये हमेशा बहुत स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशंस में होता है. जब भी पॉपुलेशंस बहुत स्मॉल और आइसोलेटेड हो, अगर उनमें से बहुत स्मॉल पॉपुलेशन का नंबर कम हो जाए, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है, विच इज नोन एज सीवॉल राइट इफेक्ट, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस, राइट. चलिए आगे बढ़े. हु डिसअप्रूव्ड एबायोजेनेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली क्लास याद करिए, मैंने आपको कितने अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स करवाए थे. चलो याद करो पहली क्लास, और याद करो मैंने आपको कितने ज्यादा सुपर डुपर कूल, सुपर ऑसम और अमेजिंग लेक्चर्स कराए थे. सो हु डिसअप्रूव्ड एबायोजेनेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम? इट हैज टू बी किसने? यस, लेमार्क, रेडी, पैस्चर, डार्विन. और यहां मैंने आपको जेनर की बात भी की थी, फर्स्ट फ्रांसिस्को रेड्डी, मीट को कवर किया था फ्रांसिस्को रेड्डी, उसके बाद ऑब्वियसली लुई पैस्चर भी इसके साथ मिल गए थे, राइट. सो हु डिसअप्रूव्ड? इट वाज फ्रांसिस्को रेड्डी. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस मैराथन सुपर कूल, सुपर फास्ट, एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव क्विज सेशन. वी वॉन्ट यू टू ज्वाइन आर अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप. येस, ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप, स्टे इन टच विद अस, लेट अस नो वॉट योर प्रॉब्लम्स आर एंड वी विल सॉल्व देम. मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर अमेजिंग चैनल. बाय किड्स, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडिंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय.